नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका INN 24 में। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जगदलपुर में संजय गांधी वार्ड की पार्षद कोमल सेना को पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला तब शुरू हुआ था जब वार्ड के तकरीबन 40 लोगों ने पार्षद पर प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया था। कांग्रेसी महिला पार्षद के इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद 13 महीने पुराने मामले में भारतीय जनता पार्टी के जगदलपुर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, उनके साथ 3 अन्य कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने पूर्ण एवं बदले की राजनीति करार दिया। अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी भाजपा पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि एक प्रक्रिया के तहत मामले की जांच की गई एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऐलान के बाद इस मामले में गंभीरता से जांच करते हुए पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कहां से शुरू हो, कहां से खत्म, ये चीजें आप लोग चूंकि जनता में हो रहे उन इश्यों का है जिनसे समाज प्रभावित होता है। हम कि वास्तविकता को जनता के सामने रखें, और आज आप लोग पिछले एक महीने में का पक्का छेद हो चुका है, सच सामने आ चुका है। जनता पार्टी ने सारी हदें तोड़ दी, चाहे बात करें स्वस्थ राजनीति की, चाहे बात करें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की, चाहे बात करें शिष्टाचार की, चाहे कैसे अशांत किया जाता है, कैसे झूठ और भ्रामकता पे लड़ाई लड़ी जाती है। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, भूपेश बघेल जी के राज्य में सब व्यक्ति बराबर है और एक ही तरह का कानून है। अभी पार्षद जी के ऊपर जो शिकायत थी, शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच के आधार पर कार्रवाई हो। कलेक्टर बस्तर ने निष्पक्षता से कार्रवाई की, बयान दिया और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत उस आरोप के तहत FIR कायम हुई।